चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम एक और स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। आज हम जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सिखाने वाला हूँ, वो हमारा रहेगा किसका? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। आज मैं इस वायरस का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और उसकी लेबलिंग करके दिखाऊंगा। मेरा कुछ दिनों से टॉपिक यही चल रहा है कि सारे स्ट्रक्चर आपको बताऊं कि कैसे आप उनका स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उनकी लेबलिंग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव चीज़ रहती है। एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको डायग्राम दे दिया जाता है, लेबलिंग करवा लेता है, या फिर कभी कभी आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का डायग्राम बनाओ, उसकी लेबलिंग करो, तो इसलिए आपको डायग्राम्स भी आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको सारे डायग्राम्स के ट्यूटोरियल अभी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इनके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। शॉर्ट में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बट डिटेल में मैं आपको इन सब वायरस के बारे में भी बताऊंगा, तो इसलिए अभी डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो अब इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो इसके डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कुछ इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, इस तरह से एक सर्कल बना लीजिएगा। ये रफली बनाइएगा पेंसिल से, ठीक। ये बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल शो करना होगा, मतलब आपको अंदर ऐसे करके यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल शो करना होगा। ठीक है, आप इस तरह से जेनेटिक मटेरियल शो करिएगा। जेनेटिक मटेरियल शो करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने होंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप भी स्ट्रक्चर्स बनाइएगा। फिर आपको इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे कुछ इस तरह के। ये बन गया डायग्राम किसका, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का। अब बात करते हैं इसकी लेबलिंग की, तो अब मैं इसकी लेबलिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको बोलते हैं हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो रेड कलर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं वीएपी, मतलब कि वायरस एसोसिएट प्रोटीन। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड प्रोटीन। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का। एग्जाम में आए तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।